एलन का क्वेश्चन लगा रखे हैं, मैंने आकाश को क्वेश्चन लगा रखे हैं, वो उन सब में बहुत डिफरेंस है। यहाँ मतलब क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है, कैसे लैंग्वेज ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये सब मतलब डिफरेंस दिखे यहाँ पे। फायदा तो बहुत हो रहा है, जैसे क्वेश्चन लेवल पर चल रहा है कैसा एक्चुअली हमें आ रहा है, वो जस्ट उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर रहता है क्वेश्चन। हम चाहते भी थे कि कुछ ऐसा टेस्ट सीरीज होना चाहिए, एक ऐसा पेपर होना चाहिए। आप देखोगे कि बहुत ऐसे टेस्ट हैं, नीट का जो एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे बच्चे लैक कर जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस वो पहले से प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो उन सारे चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं, क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को लगे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया नीट में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करियर फिल्मोलॉजी में, और आज हम लोग पहुँच चुके हैं कंकर बाग सचिवालय कॉलोनी केंद्रीय विद्यालय रोड में, और यहाँ पे पढ़ता है आपको MCM IIT JEE नीट कोचिंग, और इसमें चल रहा है अभी नीट का टेस्ट सीरीज। जो भी स्टूडेंट नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो हम अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, स्टूडेंट जैसे ही टेस्ट सीरीज देकर आएंगे तो हम लोग उनसे जाने की कोशिश करेंगे उनका टेस्ट सीरीज कैसा चल रहा है और किस तरीके के उनको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं MCM IIT नीट के टेस्ट सीरीज के बारे में। आप लोग हमारे स्टूडियो में बने हैं, देखें हमारा पूरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। ये बताइए आपके नेम क्या है? मैं प्रिंस हुआ। और कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? PW के ऑनलाइन ऐप पर पढ़ाई करते हैं। PW ऑनलाइन में पढ़ाई करते हैं, और अभी आप MCM में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं नीट का जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, PW का जो टेस्ट दे रहे थे वहाँ पे और यहाँ पे भी आप टेस्ट दे रहे हैं, दोनों का क्या लेवल होता है? नहीं, इसमें जो है NCERT को कुछ ज़्यादा ही फोकस किया जाता है और उसी पर बेसिस क्वेश्चन रहता है। हाँ, उसी पर बेसिस क्वेश्चन रहता है। NCERT बुक अगर कोई भी बच्चा थोड़ी अगर पढ़ लेता है तो ये टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पहले आपने कभी अटैम्प्ट दिया है या फिर फर्स्ट टाइम है? नो, मैंने फर्स्ट टाइम। क्या लग रहा है MCM में जो टेस्ट सीरीज हो रहे हैं उससे कुछ आपको इम्प्रूवमेंट हो रही है? जी, इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्वेश्चंस के लेवल कैसे रह रहे हैं? तो मॉडरेट कह सकते हैं, थोड़ा सा बायोलॉजी में जो है वो जो है उसमें तो है थोड़ा सा रीजनिंग बेसिस क्वेश्चन कुछ ज़्यादा रहता है बायोलॉजी में, और सब मॉडरेट है। कितने दिन हो गए आपको ज्वाइन किए हुए टेस्ट सीरीज? मेरा मतलब कि वन मंथ से हम लोग है। वन मंथ से? बहुत कैसे, वीकली टेस्ट होता है या फिर रेगुलर टेस्ट होता है? वीकली टेस्ट होता है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और जो बच्चे अभी नहीं जानते हैं आपने कैसे ज्वाइन किया था ये टेस्ट सीरीज, वो सब चीज़ें बताएं प्लीज़। नहीं, हम लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू नीट प्रेप जो है उसके थ्रू जो है मतलब कोचिंग में आए हुए हैं। ठीक है, कैसा क्या कुछ इम्प्रूवमेंट लग रही है? इम्प्रूवमेंट सर लग रही है। सेटिस्फाइड है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके? यस सर। ओके, थैंक यू। आपका नेम क्या है? अविनाश कुमार। टेस्ट सीरीज देकर आ रहे हैं? यस सर। कैसा लगा टेस्ट? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। कैसी लेवल रह रहे हैं? लेवल गुड है, मैंने कि NCERT बेस पूरा है। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? ऑफलाइन की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और अभी MCM में आप टेस्ट सीरीज देने आए नीट का, कैसा लेवल रह रहा है क्वेश्चन का? लेवल बहुत अच्छा क्वेश्चन लेवल है। मैंने NCERT बेस्ट पूरा एकदम अप्रोसेशन रिजल्ट जैसा क्वेश्चन पूछता है। क्या कुछ बताना चाहेंगे जो बच्चे यहाँ से अनअवेयर है, उनको टेस्ट सीरीज देने से क्या कुछ फ़ायदा हो रही है? बहुत फायदा तो हो रहा है। जैसे क्वेश्चन लेवल पर चल रहा है कैसा एक्चुअली हमें आ रहा है, वो जस्ट उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर रहता है क्वेश्चन बनाने में, अच्छा लगता है। टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा है, जैसे टाइम मैनेजमेंट अभी सही से हमको नहीं हो पाया, 5-6 क्वेश्चन छूट गया। तो यह है कि आप देते रहिएगा तो फिर प्रूफ हो जाएगा। ओके, लेवल कैसे रह रहे हैं क्वेश्चन के? लेवल अच्छा है, बेस्ट है। अच्छा है। जो स्टूडेंट्स नहीं, अभी जो अपकमिंग जो एग्जाम है, अगर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं कितना हेल्प होगा? बहुत हेल्प होगा। होगा, सेटिस्फाइड है ज्वाइन करके? एकदम। आपका नेम क्या है? अनीश कुमार। आपका क्या नाम है? वैभव। वैभव, आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो? अभी नीट प्रेप से ही। नीट प्रेप से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी। और कैसे पता चला था आपको MCM में टेस्ट सीरीज चल रही है? फ्रेंड के जरिए पता चला था। और कितने सेटिस्फाइड है आप इस यहाँ पर आकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके? मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। क्या कुछ बताना चाहेंगे जो बच्चे पटना में रह कर अगर कंकरबाग साइड एरिया में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि मैं टेस्ट सीरीज अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि मैं टेस्ट सीरीज कहाँ पे एक अच्छे जहाँ पे लेवल का टेस्ट सीरीज हो रहा है, तो क्या आप बताना चाहेंगे? MCM अभी आप आए हैं और टेस्ट सीरीज देने के लिए क्या कुछ लेवल देखने के मिले, कैसे क्वेश्चन के पैटर्न रह रहे हैं, क्या वो नीट के क्वेश्चन की तरह रहे हैं? पैटर्न सही है, मैं सजेस्ट करूँगा अगर कोई नीट का एस्पायरेंट है तो मैं उसे सजेस्ट करूँगा कि MCM का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और आपने PYQ देखा है नीट 2023 का? देखा है, PYQ देखा है। जैसे PYQ क्वेश्चन का लेवल मुझे सही लगा, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल सही लग रहा है आपको? क्या आपका क्या कहना है?
यहाँ पर जो टेस्ट है एनसीईआरटी बेस्ड है टोटली, और एमसीएम में जहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन सकते हैं वही बनाया गया है, और जगह जहाँ जहाँ नहीं लगता है कि बन सकता है क्वेश्चन यहाँ पर वही बनाया गया है सोच समझ के, या जो ऑब्जर्वेशन होता है एनसीईआरटी बेस्ड जो कि नीट को टोटली एक तरह से टक्कर देगा अपने आप में पेपर, तो ये मैटर करता है। यहाँ अपन अकेडमी में पढ़ाई करते हैं, पहले किए थे पिछले साल अकेडमी में किए थे, सो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा और अभी आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज दे रहे हो कैसा लग रहा है? सही है, यहाँ का टेस्ट सीरीज भी सही है, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में जाया जा रहा है। PYQ देखा था आपने? हाँ देखा था 23। PYQ से रिलेटेड होता है ये टेस्ट सीरीज या फिर थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है लेवल? नहीं, रिलेटेड भी होता है, थोड़ा अप डाउन भी होता है, अप डाउन इन द सेंस की मतलब अब क्या आ सकता है उस सेंस में अप डाउन रहता है। इम्प्रूवमेंट हो रही है? हाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है totally. आपको इम्प्रूवमेंट हो रही है? हाँ मुझे तो हुई है। बच्चों को रिकमेंड करेंगे जो बच्चे नहीं जानते अभी तक? हाँ मैं करूँगा रिकमेंड करेंगे, फायदा है। मैंने किया भी है अपने फ्रेंड्स से एक दो को किया है रिकमेंड। ओके थैंक यू। आपका नेम क्या है? चंदन कुमार। चंदन कब से आप एमसीए में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं? लास्ट 5 वीक्स होने वाले हैं, मतलब हर संडे को टेस्ट होता है ना, तो ये 5वां वीक हो जाता अगर आज मैं टेस्ट देता तो। क्या यहाँ पर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज देते हैं या फिर पढ़ाई भी करते हैं यहीं पे? नीट प्रेप सिर्फ टेस्ट सीरीज देने आता हूँ यहाँ पर। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज देने आते हो? हाँ। बाकी पढ़ाई कहाँ करते हैं आप? अभी तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, लास्ट ईयर मैं एलन में था। लास्ट ईयर आप एलन में थे? हाँ। और अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं नीट 2024 या फिर सेकंड अटैम्प्ट? ठीक है, तो आपका तो अच्छा कैसे मतलब कि ये पता चल चुका होगा कि कैसे लेवल थे पिछले बारी क्वेश्चंस का, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको क्या लेवल रह रहे हैं, कैसे पैटर्न रह रहे हैं? नीट प्रेप का मैंने ये देखा कि जो यहाँ का जो टारगेट बैच है ना, और यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है वो मतलब अलग लेवल की है। मैंने मतलब एलन का क्वेश्चन लगा रखे हैं, मैंने आकाश का क्वेश्चन लगा रखे हैं, वो उनसे बहुत डिफरेंस है यहाँ। मतलब क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है, कैसे लैंग्वेज ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये सब मतलब डिफरेंस दिखे यहाँ पे। अगर आप मतलब किसी बाहर के जो नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं ना उसमें अगर आप 600 स्कोर कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको उसका अपना रियल लेवल दिखेगा कि कहाँ मतलब आप लाइक करते हो, क्योंकि नीट मतलब जो नीट जैसा क्वेश्चन घुमाता है ना, जैसे लेंदी क्वेश्चन हो गए, असेशन रीजन हो गए, तो उस वाले फॉर्म में ये क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारा। कुछ कहना है आपका जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जानते इस टेस्ट सीरीज के बारे में, अगर उनको आप रिकमेंड करना चाहते हैं क्या कुछ बताएंगे, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपको? टेस्ट बाय टेस्ट जो आप जो टेस्ट देने आ रहे हैं उसके बाद जो उसमें आप गलतियाँ पर चलते हैं, उसके बाद जो आप एनालाइज करते हैं घर जाके, और जो पोस्ट एनालिसिस जो करते हैं एग्ज़ाम देने के बाद, और जो जो फीचर्स दिए हुए हैं नीट प्रेप के जो वो वेबसाइट है वहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट उससे दिखेगा। आप अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करें और हर टेस्ट के आगे आने वाले आपके टेस्ट में मार्क्स बढ़ेंगे। मेरे खुद बढ़े थे, मैं जब यहाँ फर्स्ट टेस्ट दिया तो मेरे 522 आए थे और मेरे पिछले वाले 602 आए हैं। अप्रॉक्स कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं आप यहाँ के टेस्ट? देखा जाए तो अगर मतलब मेरा तो अटेम्प्ट मतलब 4-5 क्वेश्चन रह जाता है, जो कि बिल्कुल हवा ही लगता है करना क्या है इसमें, बाकी तो सारे हो जाते हैं। कितने मार्क्स आ रहे हैं? पिछले वाले टेस्ट में 602 आए थे। और इस बार क्या होप कर रहे हैं? इस बार मैंने टेस्ट नहीं दिया, इस बार थोड़ा तबियत डाउन हो गया था ना, तो पिछले इस बार टेस्ट नहीं दे पा रहा था, अब घर जाकर अटेम्प्ट करूँगा, इसलिए पेपर लेने आया था। पेपर लेने आए हो आप? सो जो बच्चे अनअवेयर हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, इस टेस्ट से क्या उनको फ़ायदा होगा? मतलब मैंने आकाश का टेस्ट सीरीज देखी है, जो पटना में जितने इंस्टीट्यूट है, गोल हो गया और भी जो इंस्टीट्यूट है, उन सबसे मतलब सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज मैंने देखी, क्योंकि मैंने एलन का टेस्ट भी लगाया है पिछले साल, आकाश का भी लगाया था, और जो 2-3 इंस्टीट्यूट PW का लगाया था मैंने। यहाँ का जो टेस्ट सीरीज है मतलब मेरे को अपना असली लेवल दिखता है कि हाँ ये मतलब ये मैं नीट दूंगा ना तो मेरे आज ये नंबर आएंगे। जैसे लास्ट टेस्ट में 602 है, मुझे लगा मेरा इतना ही नंबर आता अगर मैं अगर मेरा आज नीट होता तो आपको अपना मतलब ये प्रैक्टिकल लेवल शो करता है, ये नहीं कि आपको मतलब हवाबाजी है कि आप मतलब 550 ला रहे हो तो आप एग्जाम में 650 ला दो, ऐसा नहीं, आपको अपना रियल लेवल दिखाएगा एग्जाम। नीट 2023 में क्या रहे मेरे मार्क्स है 547। और इस बार क्या होप कर रहे हैं? हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। हाँ। पक्का? ओके थैंक यू। हमारे साथ अभी MCM IIT नीट एंड मेडिकल के डायरेक्टर सर मौजूद हैं, मृणाल कश्यप सर हमारे साथ हैं। तो सर सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। निर्भय आपका भी स्वागत है एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए हैं हमारे पास। बिल्कुल ठीक है सर। जो आप अभी बच्चों को जो नीट 2024 के लिए टेस्ट सीरीज दिलवा रहे हैं उसमें क्या उसका बेनिफिट क्या है? देखिए बहुत सही क्वेश्चंस हम लोग दिए हैं और एक ऐसा मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि होपफुली कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डेटा वाइज सेम होगा, कॉन्सेप्ट वाइज सेम हो सकता है, प्रॉपर और एकदम नीट को टच कर रहा है सवाल, काफ़ी शानदार। और आप बच्चों से भी बात करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ रियल में इस टेस्ट सीरीज में जान है।
मतलब मस्त मजा आ जाएगा। सर इस टेस्ट सीरीज में काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के भी स्टूडेंट्स आकर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो इसमें आपको क्या अंदर से फीलिंग आती है, लाइक आपने क्या ऐसा किया, लाइक आप पटना में रहकर और बाकी जो ग्लोबली इंस्टीट्यूट है जो पूरा पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं उनके स्टूडेंट आपके पास आके टेस्ट सीरीज दे रहे हैं? देखिए एक्चुअली हम चाहते भी थे कि कुछ ऐसा टेस्ट सीरीज होना चाहिए, एक ऐसा पेपर होना चाहिए। आप देखोगे कि बहुत ऐसे टेस्ट हैं, नीट का जो एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे बच्चे लैक कर जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस वो पहले से प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो उन सारे चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं, क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को लगे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया नीट में। अगर उस टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी, उस टाइप की माहौल क्रिएट हो जाएगा, तो फिर शानदार तरीके से बच्चे जो है रिजल्ट दे पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ हमारी एक और कंपनी है जो हमारे साथ देती है और उसके साथ हम अलायंस है और ये नीट प्रेप है, और उस मतलब ये दोनों का जो विजन है ना बहुत मैच करता है कि नीट में हर एक बच्चा बेहतर स्कोर करे। आई होप ये वीडियो आप सभी को काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे। बाकी आपको भी अगर MCM IIT नीट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका एड्रेस है कंकर बाग सचिवालय कॉलोनी और केंद्रीय विद्यालय रोड है ये, और ऊपर में आप देख रहे होंगे ये MCM IIT नीट का सेकेंड फ्लोर पे कोचिंग है। यहाँ पर आकर आप ऑफलाइन मोड में भी ज्वाइन हो सकते हैं, और बाकी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे जहाँ से अगर आप कंकर बाग में रहते हो और इस टेस्ट सीरीज को देना चाहते हो नीट 2024 के लिए, तो आप हमारे इस लिंक से फॉर्म फिलअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिलोलॉजी।